हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज रेसिपी बुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई चिली मशरूम। ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है और घर पे आप इजीली इसको बना भी सकते हो। बट रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम मशरूम की एक कोटिंग रेडी करेंगे, इसलिए एक बोल ले लिया है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स्ड करेंगे। ऐसा एक स्मूथ बैटर रेडी करना है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मशरूम। देखिए, मैं मशरूम को इस तरह से कट कर लिया है। अभी अच्छे से मशरूम के साथ बैटर को कोट कर लेना है। मशरूम को फ्राई करने के लिए कढ़ाई पर ऑयल डाल दिया है। अभी एक एक करके सभी मशरूम को फ्राई कर लेंगे। देखिए, मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इसको उतर के रख देंगे। चलिए अभी चिली मशरूम के लिए एक सॉस बना लेते हैं। एक बोल में ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सेजवान चटनी, 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनीगर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐड कर दिया है 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर। ऐड कर रही हूँ 1 चॉप्ड ग्रीन चिली। इसको थोड़ा सा फ्राई करके ऐड कर देना है चॉप्ड ऑनियन और चॉप्ड कैप्सिकम। मैं यहाँ पे ऑनियन और कैप्सिकम को लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहो तो इसको स्क्वायर शेप में भी काट कर सकते हो। अभी इसमें पहले जो सॉस रेडी करके रखे थे वो ऐड कर दिया है। सॉस के साथ सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें ऐड कर दूंगी फ्राइड मशरूम। ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा शुगर। ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लावर वाटर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लिया है। लास्ट पे इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन। देखिए, ड्राई चिली मशरूम मेरा एकदम रेडी है। चलिए अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस डिश को आप इसी तरह एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप एज अ स्टार्टर खा सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकते हो। चिली मशरूम ग्रेवी रोटी, पराठा, नान सबके साथ अच्छा लगता है। और आज की रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।